आज तो मैं एक एक फूल चुन चुन कर दादाजी का रूम सजाऊंगा। जब वो ध्यान लगाएंगे तो इनकी खुशबू में ध्यान मग्न हो जाएंगे। आखिरकार इस जंगल जैसे फूल दूर दूर तक कहीं और नहीं मिलते हैं। ये गुड़गुड़ की आवाज कैसी? मैं तो घर से भरपेट खाना खाकर आया था। ये आवाज तो कहीं और से आ रही है। अरे कर भला तो हो भला, लगता है ये वोल्केनो फटने वाला है। हेलो, मैं हूँ जादूगर ज्वालामुखी, लेकिन मैं बहुत हूँ दुखी। थोड़ी सी मस्ती कर लूँ? कर लो, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा ना, मजा आया ना? अच्छा लगा? अरे कर भला तो हो भला, भागने में ही है अपना भला। मैंने अभी तो मस्ती शुरू ही की थी, वो भाग गया। चलो पीछा करता हूँ। जादूगर ज्वालामुखी, पर मैं बहुत दुखी हूँ। थोड़ी सी मस्ती कर लूँ? हाँ कर लो कर लो। थैंक यू। नाम है जादूगर ज्वालामुखी, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। जब भी मैं मस्ती करता हूँ तो लोग अपने आप ही जल जाते हैं। मैं क्या करूँ? तुम भी देखोगे? ये देखो, मायरा, वरुण, बचो। अरे कर भला तो हो भला, नहीं हो बुरा। जादूगर भैया, मेरे साथ तो तुमने एक बार मस्ती कर ली थी ना, मुझे तो बख्श दो। मजा आ रहा है, जाओ कहीं जाके खेलो कूदो और मुझसे टक्कर मत लो। मेरी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। जादूगर ज्वालामुखी, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। बाईस का जो बाईस का सकूं। मैंने सोचा तुम छोटे हो, पर अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो चलो। Oh!
तुम में से कोई नहीं बचेगा। जादूगर ज्वालामुखी, तुम्हारी मस्ती यहाँ नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जयसिंह चौहान अपनी सिटी की सुरक्षा के लिए चट्टान बनकर खड़ा है। जयसिंह चौहान, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, पर तुमने बीच में आकर अच्छा नहीं किया। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं सॉरी बोलूं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा और यहाँ से जाना भी पड़ेगा। क्या बोला तुमने? मैं सॉरी बोलूंगा? जादूगर ज्वालामुखी सॉरी बोलेगा? सिपाइस का सकूम फ्रीडम। जादूगर ज्वालामुखी, कान खोलकर सुन लो, जब तक जयसिंह चौहान यहाँ है तब तक तुम सन सिटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जयसिंह चौहान, जब तक तुम सन सिटी में हो मैं यहाँ थोड़ी सी भी मस्ती नहीं कर सकता। ऐसा है तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। बच्चों, ये लो, रंगीला के हाथों से रंग बिरंगा फ्रेश फ्रूट जूस। थैंक यू। रुद्रा, मुझे तुम पर नाज है, आज तुमने बहुत बहादुरी से जादू करके मेरा साथ निभाया। थैंक यू दादाजी। मुझे लगता है ज्वालामुखी के बॉडी के चारों ओर जैसे कोई फायरबॉल हो, उस पर तो छोटे मोटे पानी का कोई असर ही नहीं होता है। अगर वो फिर से आ गया तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रुद्रा, सबसे पहले तुम्हें पानी को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक बार तुमने वो सीख लिया तो जादूगर ज्वालामुखी बड़ी आसानी से कंट्रोल में आ जाएगा। समझ गया दादाजी, पर वो करेंगे कैसे? आसान है, पर हर मुसीबत से निपटने का सबसे पहला गुरुमंत्र क्या है बताओ जरा। मुझे पता है दादाजी, फोकस एंड बिलीव। रुद्रा, अगला मंत्र ध्यान से सुनना, इस मंत्र के बोलते ही तुम जमीन से पानी की बौछार निकाल पाओगे। पहला मंत्र है फोकस एंड बिलीव, अब मैं दूसरा मंत्र भी सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं खुद की रक्षा तो कर ही सकता हूँ। सिपाइस का वाटर फाउंटेनो। अरे कर भला तो हो भला, दादाजी आपने मुझे पानी से क्यों उछाला? रंगीला, क्यों हो गया ना गीला? छुप छुप कर जादू सीखना नहीं छोड़ोगे तो ऐसे ही हर बार कहीं उड़ते मिलोगे। प्लीज दादाजी, मुझे नीचे उतारिए ना। हाय रे, कमर टूट गई। अरे वाह।
अरे वाह जय सिंह, महल तो बहुत शानदार है। कहाँ हो तुम? ये रहा। बहुत बेइज्जती की थी मेरी जय सिंह, अब मजा लेने की बारी मेरी है। ये सब क्या है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जा गए जय सिंह चौहान। ये जादूगर ज्वालामुखी की जेल है, जिससे बाहर निकलना तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। मैं तो थोड़ी सी मस्ती ही कर रहा था बस, पर वो भी तुम्हें रास नहीं आई, बेवजह दिल का ताड़ बना दिया। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं खूब मस्ती करूंगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? ज्वालामुखी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डिवाइस का सकू डिसअपीयर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारा जादू इस जेल के अंदर बेकार है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। सो जाओ, सो जाओ। दादाजी, दादाजी, छोड़ो दादाजी को। ये रंगीला जमीन पर क्यों सो रहे हैं? रंगीला, उठिए, उठिए! रुद्रा, रुद्रा, दादाजी को वो ले गया, वो ज्वालामुखी दादाजी को ले गया। क्या? रुद्रा, हम निकल तो आए हैं, पर हम दादाजी को ढूंढेंगे कहाँ? रंगीला ने जादूगर ज्वालामुखी को पहली बार वोल्केनो से निकलते हुए देखा था, वो दादाजी को वहीं ले गया होगा। वो तो बहुत शक्तिशाली है, हम उससे टक्कर कैसे लेंगे? दादाजी की एक बात याद रखो, इंसान को खुद पर विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अब बोलो दादाजी का गुरु मंत्र क्या है? फोकस एंड बिलीव। वो देखो वोल्केनो। वो जादूगर भी यहीं कहीं होगा। सुनो, ओके? यस। दादाजी, 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 उठिए, उठिए ना, हम आ गए हैं, दादाजी। तुम लोग यहाँ तक आ गए, दादाजी को छुड़ाने आए हो? तुम लोगों ने तो खुद ही जादूगर ज्वालामुखी के मुंह में हाथ डाल दिया। अब तो मस्ती करने में और भी मजा आएगा। दादाजी सुन रहे हो? अरे अरे, वो कैसे सुनेंगे, वो तो गहरी नींद में है। भागते कहाँ हो, अपने दादाजी को छुड़ाओगे नहीं? चलो। इबाइस का जिबाइस का डिस्पेरो।
इबाइस का डिसअपीयर हो। क्या करूं, इन सलाखों पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। मायरा वरुण भी ज्यादा देर उस जादूगर को उलझा ही नहीं रख पाएंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। रुद्रा, वो कहाँ है? धोखा! इसका मतलब तब से मैं इनके साथ नहीं खेल रहा हूँ। ये दोनों ही मुझे उलझाए हुए हैं। कहाँ है वो तीसरा? अपने दादाजी को बचाने आए हो? बड़े बहादुर हो। मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद हैं। तुम्हारे साथ मस्ती करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। चलो तो फिर मस्ती के लिए तैयार हो जाओ। I hope you don't mind. मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता रुद्रा। Boom!
तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत कैसे की? ये लो। आज मेरी सारी शक्ति कहाँ गई? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? जादूगर ज्वालामुखी, तुम्हारे अंदर इतना पानी भर गया है कि सारी आग खत्म हो गई। अब तुम कभी जादू नहीं कर सकते। क्या? जादूगर ज्वालामुखी, तुम्हें देख के लग रहा है कि रुद्रा के हाथों तुमने भारी शिकस्त खाई है। चले जाओ और फिर कभी सन सिटी की तरफ आंख उठाकर मत देखना। मैं नहीं तो क्या हुआ? सन सिटी की रक्षा के लिए रुद्रा है, उसके होते सन सिटी को कुछ नहीं हो सकता। रुद्रा, शाबाश मेरे बच्चे। ये आया जादुई एरोप्लेन। इबाइस का जिबाइस का क्रिएटो। अब मेरी बारी। वरुण, अब मैं ट्राई करूंगी। तुम देखना, आज मैं ऐसा निशाना मारूंगी कि तीर सीधा बोट को चीरते हुए निकल जाएगा। जंतर मंतर काली कलंदर छू। अरे दिख नहीं रहा, कहाँ गया? कहाँ गया? डाट तो मैंने कब का फायर कर दिया, कहाँ गया? रंगीला, आपको देखा? नहीं। मिल गया डाट, मिल गया, इधर है। मायरा, तुमने जादू मुझे परेशान करने के लिए ही सीखा है क्या? सपोला, देखा तुमने, सन सिटी में तो कोई भी निशानेबाज है ही नहीं, सब बस ऐसे ही फेंकते रहते हैं। अगर मैं सही निशाना लगा दूं तो इनकी बोलती बंद कर दूंगा, पर मैं करूं कैसे? मुझे तो निशानेबाजी सही से आती भी नहीं। तुम चिंता मत करो, सपोला के रहते तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। सुनो। सन सिटी वालों, तुम सब अपने ऊपर बड़ा इतराते हो, तो अब देखो काल सिटी का कमाल। क्या हुआ? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सन सिटी वालों, काल सिटी के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं है। कोई सन सिटी में जो मुझे इस निशानेबाजी में हरा सके? हाँ, है कोई? मैं हूँ सोगा, मैं हूँ। डिवाइस का डिवाइस का क्रिएटो। रुद्रा, तुम्हारा डार्ट तो सैर पर निकल लिया, अब क्या करोगे? ऊंची दुकान, ठीक है पकवान। जोगा, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना।
इस जोगा ने चीटिंग की थी। ट्रॉफी पर सिर्फ रुद्रा का हक है। हाँ हाँ, ट्रॉफी रुद्रा को ही मिलनी चाहिए। हाँ, बड़ा आया था चैलेंज करने। अरे कर भला तो हो भला, क्यों जोगा, क्या हुआ, निकल गई तुम्हारी सारी हेकड़ी? हाँ? हाँ हाँ, देख लिया, रुद्रा के दम पर ज्यादा उड़ो मत। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो डाट निशाने पर मार कर दिखाओ तो मानू। हाँ तो तुमने भी तो सपोला को इस्तेमाल करके निशाना मारा था, अब मैं असली निशाना दिखाता हूँ। साइड हटो सब। कर भला तो हो भला, जंतर मंतर जादू कलंतर। क्या हुआ, लगता है शेर गहरी नींद में था, बेचारा उठ नहीं पाया। रंगीला जादूगर नहीं, जोकर है, जोकर। जोकर जोकर। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं भी बहुत बड़ा जादूगर बन के दिखा दूंगा। हाँ, ऐसा जादू करूंगा ना कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। रंगीला कहाँ जा रहे हो, सुनो तो सही, ऐसे गुस्सा नहीं होते। सपोला, ये अलबेला रंगीला बड़े गुस्से में यहाँ से गया है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। मैं इसके पीछे जाता हूँ और तुम जाकर शाकाल को खबर करो। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। रंगीला का बिगड़ा मिजाज हमारा खेल बना सकता है, वो इस समय तपते लोहे की तरह है, उसको जैसे ढालना चाहूं ढाल सकता हूं। सुना है जय सिंह भी सन सिटी में नहीं है, उसके ना होने का पूरा फायदा मिलेगा। चलो। आज तो सारा जादू सीख जाऊंगा। मुझे पता चला। सन सिटी वाले ही नहीं, जय सिंह चौहान भी तुम्हें जादूगर नहीं जोकर समझता है, तभी तो वो तुम्हें जादू नहीं सिखाता। लेकिन मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा ताकि तुम सबसे बदला ले सको। बदला? नहीं नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना है। मैं तो सिर्फ एक अच्छा जादूगर बनकर सबके सामने खुद को साबित करना चाहता हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, तभी बदला नहीं लेना चाहते। मैं तुम्हें जादूगरी के सारे दांव पेच सिखाऊंगा, बस मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में खो जाओ। शाबाश, अब जय सिंह चौहान को भूल जाओ। बढ़िया, रुद्रा और उसके दोस्तों को भी भूल जाओ। भूल गया। बस अब याद रखो तो इतना कि सन सिटी के लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, तुम्हें उन सब से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, बदला लेना है। हाँ, मुझे सबसे बदला लेना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तुम एक बहुत शक्तिशाली जादूगर बनने वाले हो। शक्तिशाली रंगीला, आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब तुम
जाओ और सन सिटी में बर्बादी फैलाओ। अपना बदला पूरा करो। यू, इट्स रंगीला टाइम। सबसे बदला लूंगा। ये रंगीला कहाँ चले गए? सब तरफ देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रहे। रंगीला का इन सब ने बहुत मजाक उड़ाया था। अब मैं इनको दिखाऊंगा कि रंगीला क्या क्या कर सकता है। कर भला तो हो बुरा। ये रंगीला को क्या हो गया? कर भला तो हो बुरा। और मेरा मजाक उड़ाओगे? रंगीला को रोकना होगा। रंगीला रुकिए। रंगीला, रंगीला रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? आप इतने बड़े कैसे हो गए? बदला, सबसे बदला लूंगा। मजा आ गया। रंगीला ने अपना रंग ऐसे बिखेरा है कि दिल खुश हो गया। सोगा, उसके पास जाओ और कहो कि हमारा हुक्म है जय सिंह के महल को तबाह कर दे। रंगीला को देखकर लगता है कि उन पर किसी ने जादू किया है, इसलिए वो खुद के काबू में नहीं है। कुछ भी हो, हमें रंगीला को तबाही मचाने से रोकना होगा। उसे रोकने से तो अच्छा दादाजी को बुला लो, वो सब संभालेंगे। हम दादाजी को नहीं बुला सकते, वो किसी जरूरी काम से सिटी से बाहर गए हैं। उनको वापस बुलाना ठीक नहीं होगा। हम तीनों मिलकर तीन तरफ से रंगीला पर अटैक करेंगे और जरूर कामयाब होंगे। प्लान ये है कि हम तीनों अलग अलग नेट रंगीला के ऊपर फेंकेंगे और फिर उसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। कम, लेट्स डू द प्रैक्टिस। मायरा, तुम उधर जाओ। वरुण, तुम उस तरफ। लेट्स प्रैक्टिस। रेडी वरुण। अंतर मंतर जादू कलंतर। प्लीज मायरा मत करो। चल अटैक। रुद्रा, मेरा जाल कहाँ गया? तुम्हें देखा क्या? अपने चारों तरफ आगे पीछे देखो, मिल जाएगा। सॉरी। मैं सबसे ताकतवर मजीशियन हूँ, मुझसे बड़ा मजीशियन कोई नहीं है। रंगीला, हमारा हुक्म है कि जय सिंह के महल को तबाह कर दो। रंगीला, आप जैसे शक्तिशाली जादूगर को ये आदमी हुक्म दे रहा है? क्या आप जैसा बलवान इसका गुलाम है?
नहीं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, जादूगर रंगीला को हुक्म दिया। चाकाल, मैंने तुम्हारा ऑर्डर पास कर दिया, पर रंगीला जादूगर उसे मान नहीं रहा है। अरे मैं कोई टेनिस बॉल नहीं हूँ। शाबाश रंगीला, आपने उस जोगा को अच्छा सबक सिखाया। अब आप ये बताइए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बताइए तो क्या तुम भी मुझे हुक्म देने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ जो जवाब दूँ। मायरा, वरुण, लगता है रंगीला पर शाकाल ने कोई जादू किया है। मैं इनको नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। 22 का नॉर्मल स्टिको। हाँ, 22 का नॉर्मल स्टिको। तुमने मुझसे उलझकर अच्छा नहीं किया। जादू के इस खेल में तुम अभी बहुत कच्चे हो, मेरे सामने बच्चे हो। शाकाल का जादू सिर्फ शाकाल ही उतार सकता है। लगता है शाकाल का जादू अब सिर्फ वही उतार सकता है। वरुण सुनो, क्या प्लान में तो बहुत खतरा है, पर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मायरा, वरुण, अब हम सबको एक साथ नेट अटैक करना है। रेडी? बिना देरी किए एक के बाद एक नेट फेंकना है। ओफो, फिर गड़बड़। यस, मायरा, तुम्हारा जादू बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। 22 का फॉग क्रिएटो। सॉरी वरुण। मायरा, सॉरी मत बोलो, यही तो मेरा और रुद्रा का प्लान था। तुमने बहुत अच्छा किया। रंगीला, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाइए। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ बच के जाओगे? रंगीला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा हुक्म है, रंगीला रुक जाओ। तुमने रंगीला जादूगर को हुक्म दिया? हाँ? रंगीला सिर्फ खुद की सुनता है। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, आज तो मैं तुझे खत्म ही कर दूंगा। अकीरा जकीरा बज़ूका फायरबॉल। मेरे पैलेस में आकर मुझे ही जलाया। शाकाल, क्या हुआ? तुम्हारी चाल तुम्ही पर उल्टी पड़ गई। पहले तो मैं अकेला था, पर तुम्हारी ही बदौलत आज मेरे साथ शक्तिशाली रंगीला जादूगर की भी ताकत है। रोक सको तो रोक लो, बच सको तो बच लो। नॉर्मल स्टिको। अरे कर भला तो हो भला, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? वो सब बाद में बताएंगे रंगीला। थैंक यू शाकाल, अब हम चलते हैं। यही तो हमारा प्लान था कि तुम खुद रंगीला को नॉर्मल कर दो। ओके, बाय बाय।
क्या शाकाल से चालाकी? शाकाल की काल सिटी में खड़े होकर तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। जब मैं जाने दूंगा तब तो जाओगे। अकीरा सकीरा बाज़ूका अलाइवो। लड़ने नहीं आया, मुझे रंगीला को ठीक करना था, जो हो गया। दादाजी कहते हैं बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिलहाल तुमसे लड़ने की मेरे पास और कोई वजह नहीं है। सन सिटी की बर्बादी से ज्यादा तुम अपने कार सिटी की खुशहाली की तरफ ध्यान दो। बाय बाय। तुम सब किसी काम के नहीं हो, वापस आओ। रुद्रा शाकाल, आप इतने मगन होकर क्या पढ़ रहे हो? दुश्मन को हराने के लिए उसकी खूबियों से ज्यादा उसकी कमियों का पता होना चाहिए। मैंने भी जय सिंह से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का पता लगा लिया है और अब मुझे उसकी एक ऐसी कमी का पता चला है जो उसको पल भर में डुबो सकती है। क्या बात कर रहे हो शाकाल? फिर देर किस बात की? उस चीज के बारे में बताओ। पता चल जाएगा जब वो चीज सन सिटी पहुंचेगी तो बिजलियां कड़केंगी, भूचाल आ जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूं शाकाल। जय सिंह चौहान, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। समझे रुद्रा? इस शहर में इतनी भागदौड़ क्यों मची हुई है?
रुद्रा, तुम्हें कुछ पता है? नहीं दादाजी। अचानक से इतनी बिजलियां कैसे गिर सकती हैं? मौसम तो साफ है, फिर भी बिजली गिर रही है। ये तो किसी जादूगरी का ही असर लग रहा है। रुद्रा तुम यहीं रहना, मैं देख कर आता हूँ। कौन हो तुम? मेरी सन सिटी पर बिजली क्यों बरसा रहे हो? मुझे पता है ये नेचर का नहीं, किसी बैड क्रीचर का काम है। सामने आओ। कौन हो तुम? जय सिंह, मैं हूँ इलेक्ट्रो लेडी। ना तीर से ना तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। इलेक्ट्रो लेडी, तुम मेरी सन सिटी से अभी चली जाओ। मैं औरतों पर वार नहीं करता, नहीं तो तुम्हारे वार का एक मिनट में जवाब दे देता। जय सिंह, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम औरतों पर वार नहीं करते। तुम्हारी इसी अच्छाई का तो मैं फायदा उठाने आई हूँ। देखा जोगा, आज मैंने ऐसा दांव खेला है कि जय सिंह चौहान चारों खाने चित हो गया है। अब वो चाहकर भी अपनी सन सिटी को नहीं बचा पाएगा। उसूल पसंद लोगों की यही कमी होती है। मैंने जय सिंह की उसी कमजोरी को पकड़ लिया है। जय सिंह चौहान, मैं तुम्हारी चाल समझ गई। तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते तो मुझे कैद करना चाहते हो, पर इतना आसान नहीं। इलेक्ट्रो लेडी, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। Really? सॉरी दादाजी, पर मैं यहाँ बैठकर आपको खतरे में नहीं देख सकता। दादाजी को चोट लगी है। रुद्र, वो हमारे पीछे आ रही है। इबाइस का प्रोटेक्टो। तुम नहीं बच सकते जय सिंह चौहान, मेरी बिजली तुम्हारा महल भी नहीं छोड़ेगी। अरे कर भला तो हो भला, दादाजी को क्या हुआ? ये लीजिए, पानी पीजिए।
रुद्रा, वो लेडी बहुत खतरनाक है। कोई भी पैलेस से बाहर नहीं जाएगा। पर दादाजी, हम कब तक पैलेस में बैठे रहेंगे? बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्से में पूरी सनसिटी को बर्बाद कर देगी। नहीं रुद्रा, बाहर जाने का ये सही समय नहीं है। उसकी बिजली में नॉर्मल बिजली से कई गुना ज्यादा चुभन है। मेरी तबीयत जरा संभल जाने दो, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। जय सिंह चौहान, कब तक ऐसे छिपे बैठे रहोगे? मैं फिर आऊंगी, भूल मत जाना। ना तीर से ना तलवार से वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। दादाजी, लगता है वो चली गई। हो सकता है वो फिलहाल चली गई हो, पर खतरा अभी टला नहीं, इसलिए कोई बाहर मत जाना। कर भला तो हो भला, जब मैं यहाँ हूँ तो हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला गार्डन में कौन है? जाकर देखना पड़ेगा। तुम कौन हो? मैं रंगीला, तुम कौन हो? मैं शंग्रीला। शंग्रीला कौन? मैं तुम्हारा जुड़वा भाई। तुम्हें याद नहीं, हम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? कब, कैसे? मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया, ना दादाजी ने, ना रुद्रा ने। भाई भाई, आ जाओ मेरे गले लग जाओ भाई। ना तीर से ना तलवार से वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। ओह नो, ये रंगीला उसके पास कैसे पहुँच गए? रुद्रा, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम सब अंदर से मुझे देख सकते हो। देखना दिखाना ऐसे ही चलता रहेगा अगर तुमने पैलेस का गेट नहीं खोला तो। जल्दी गेट खोलो, नहीं तो मैं इस रंगीला को खत्म कर दूंगी। दादाजी, रुद्रा, मुझे बचाओ, अरे मेरी हेल्प करो। दादाजी, अब हम क्या करें? रंगीला को बचाना है तो गेट खोलना ही पड़ेगा। मैं जाता हूँ। नहीं वरुण, गेट मत खोलना। एक बार पैलेस का गेट खुल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सोच लिया है क्या करना है, मैं बाहर जाऊंगा। क्या कह रहे हो रुद्रा, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। दादाजी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इलेक्ट्रो लेडी, मेरी आवाज सुनो, मैं रुद्रा बोल रहा हूँ। मैं बाहर आने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम रंगीला को छोड़ दो और उन्हें फाउंटेन के पास बिठा दो। मंजूर? मंजूर। जय सिंह नहीं तो उसका पोता ही सही। अभी देखना रुद्रा कैसे मजा चखाएगा। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? तो तुम हो रुद्रा, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। अब तुम मेरी बात मानो और पैलेस का गेट खोल दो। पैलेस का गेट तो किसी हाल में नहीं खुलेगा, चाहे तुम कितनी ही बिजली गिरा लो। पैलेस का गेट नहीं खुला तो तुम और रंगीला नहीं बचोगे। ये लो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बिजली फेल नहीं हो सकती। नहीं, धोखा! ये तो रुद्रा नहीं, उसकी इमेज है। मैं सबको जला दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जय सिंह ने रुद्रा को भी जादू की दुनिया के सारे दांव पेच सिखा दिए हैं, पर मुझे यकीन है कि अब की बार सन सिटी को ये सब नहीं बचा पाएंगे। रंगीला, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं आप सबके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ।
पेट में कुछ जाएगा तो आइडिया दिमाग में आएगा। रंगीला, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत थी? लाओ मैं ट्रे पकड़ता हूँ। लो अपनी ट्रे पकड़ो। रंगीला, आप मुझसे दूर ही रहना। रंगीला, किसी को कुछ नहीं चाहिए, तुम अंदर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। बड़ा मजा आ रहा है जयसिंह के प्यादों को एक एक करते पिटते हुए देखने में। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। और कितनी देर जयसिंह अपने महल में छुप कर बैठा रहेगा? सन सिटी को इलेक्ट्रो लेडी से बचाने के लिए उसे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। शाकाल, मेरा तो बड़ा मन हो रहा है उनके चेहरों से हवाइयां उड़ते देखने को। अरे सब्र करो, हम भी चलेंगे। एक बार इलेक्ट्रो लेडी अपना काम खत्म कर ले। दादाजी, अब बस बहुत हुआ। हम कब तक इस तरह चुप कर बैठे रहेंगे? मुझे बाहर जाकर इलेक्ट्रो लेडी को रोकना होगा। रुद्रा, जोश में होश मत खोना। पहला नियम कभी मत भूलना, फोकस एंड बिलीव। हम इलेक्ट्रो लेडी का सामना करेंगे, पर पूरी प्लानिंग के साथ। सुनो, आज मैं तुम्हें नया मंत्र सिखाता हूं। रुद्रा, हम भी तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। रुद्रा, याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का समय होगा। मैं भी साथ आऊंगा। उस इलेक्ट्रो लेडी ने मुझे बहुत झटके दिए हैं। मौका मिलते ही मैं उसे ऐसा जूस पिलाऊंगा कि उसकी सारी बिजली पानी पानी हो जाएगी। मैं आ गया हूँ। कहाँ हो तुम इलेक्ट्रो लेडी? हिम्मत है तो सामने आओ। लो आ गई। बहुत बहादुर बच्चे हो, तुम मेरा सामना करोगे? इलेक्ट्रो लेडी, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। इबाइस का सकू। ना तीर से ना तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। बच सको तो बचो। जैसे रुद्रा का जादू जमीन पर बिखर गया, बस अब थोड़ी ही देर में वैसे ही जय सिंह चौहान का घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। जय सिंह चौहान, मैं तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रो लेडी, बहुत बढ़िया। अभी बताती हूँ। जंतर मंतर काली कलंतर छू। सिखा दिया सबक, अब तो हम हिलजुल भी नहीं सकते। लगता है रुद्रा मंत्र पढ़ने वाला है। फोकस एंड बिलीव। जिबाइस का बूम, चिक चिक बूम। रुद्रा, 5, 4, 3, 2, 1, रुद्रा।
न तीर से न तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। न तीर से न तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। न तीर से न तलवार से, वार करती हूँ मैं बिजली की चमकार से। मेरी शक्तियाँ कहाँ गई? मुझे ये क्या हो रहा है? मैं गिर क्यों रही हूँ? अब तुम्हारी पावर खत्म हो चुकी है और अब कभी लौटेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी बिजली अपने अंदर समा ली है। अब तुम एक साधारण इंसान हो। क्या मेरी शक्तियाँ गायब हो गई हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। नहीं, मैं हर बार जीती बाजी हार जाता हूँ। सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गया। मैडम, जूस पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। पानी, पानी! क्या मिलाया था जूस पे? कुछ खास नहीं, तुम्हारी बिजली की शक्तियाँ तो जानी ही थी, तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चिली जूस बना दिया। बहुत झटके दिए थे ना मुझे, अब तुम खाओ। पानी, पानी! शाबाश रुद्रा, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू।